1975 में बनी इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक हॉल के बाहर उतारते थे जूते चप्पल। महिलाओं के लिए होते थे स्पेशल शोज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 1975 की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया बल्कि सिनेमा घरों को मंदिर में तब्दील कर दिया। जी हाँ, इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक हॉल के बाहर जूते चप्पल उतारते थे और फिल्म के गानों पर महिलाएं गरबा करती थी। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म का खास किस्सा। साल 1975, ये वही साल है जब अमिताभ बच्चन की दीवार और शोले जैसी बड़ी फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन इसी साल एक ऐसी फिल्म भी आई थी जिसमें ना तो किसी बड़े स्टार का जलवा था ना भारी भरकम बजट था, फिर भी इसने कमाई के मामले में दीवार जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया था। और दोस्तों, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि थी जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ विजय शर्मा के निर्देशन में बनी एक ऐसी फिल्म थी जिसने आस्था को पर्दे पर उतारा और देखते ही देखते लोगों के दिलों पर राज करने लगी। इस फिल्म में संतोषी माँ का किरदार निभाया था अनीता गुहा ने और उनका ये किरदार इतना प्रभावशाली था कि दर्शकों ने उन्हें देवी का रूप ही मान लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने शुरुआती 10 दिनों में कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन फिर धीरे धीरे दर्शकों की भीड़ बढ़ती गई और ऐसा लगा मानो इस फिल्म ने खुद दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया हो। खास बात तो ये थी कि इस फिल्म के लिए महिलाओं के लिए स्पेशल शोज रखे जाते थे, खासकर शनिवार के दिन महिलाएं बच्चों के साथ सिनेमा घर पहुंचती थी और माहौल एकदम भक्तिमय हो जाता था। कहा जाता है कि जय संतोषी माँ की स्क्रीनिंग के दौरान दर्शक हॉल के बाहर ही जूते चप्पल उतारकर अंदर जाते थे। अंदर पहुंचकर माहौल एक मंदिर की तरह हो जाता था। महिलाएं फिल्म के भजन और गानों पर गरबा करती और स्क्रीन की ओर फूल और सिक्के उछालती थी। एक फिल्म के लिए ऐसा नजारा पहले कभी देखा नहीं गया था। दोस्तों, इस फिल्म का बजट तो महज 10 से 15 लाख रुपए था, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने करोड़ों का आंकड़ा छू लिया था। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इस फिल्म ने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में दूसरा स्थान हासिल किया, सिर्फ शोले से पीछे। इसने दीवार जैसी बड़ी फिल्म को भी कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो ये थी 1975 की अद्भुत कहानी जय संतोषी माँ की, जिसने दर्शकों की आस्था को नया आयाम दिया। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिलचस्प किस्से आपको मिलते रहे। धन्यवाद।